नमस्कार साथियों, डॉक्टर कामिनी जोशी मैम का सफल ऑपरेशन सिविल चिकित्सालय में संपन्न हुआ। आइए हम जानते हैं डॉक्टर कामिनी जोशी मैम के श्रीमुख से कि किस प्रकार से उनका अनुभव रहा और किस प्रकार से जायडस सीपी मिनी वेलेंस इम्प्लांटेशन के बाद में अब उनकी रोशनी में सुधार हुआ है। नमस्कार साथियों, मैं सर्वप्रथम नेत्र चिकित्सा सर्जरी के क्षेत्र के देदीप्यमान नक्षत्र डॉक्टर सुरेश पांडे का अभिवादन और हार्दिक धन्यवाद और बधाई देती हूँ कि आप इतने आधुनिक उपकरणों से युक्त अपना चिकित्सालय चलाते हैं कि दूर दूर से ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आपके पास आपकी ख्याति को, आपकी कुशलता को, आपके हाथ के जो सुघड़ता है उसको देखकर आते हैं। मैं भी पहला जब मेरा ऑपरेशन हुआ था परसों, बहुत भयभीत थी कि पता नहीं क्या होगा, कितने टांके लगेंगे, कितना ब्लड होगा, कितना मुझे लेके जाना पड़ेगा, लेकिन मैं बहुत सहजता से सर के हाथों से जो मेरा ऑपरेशन हुआ इतना अच्छा हुआ कि मैं बहुत सहजता से घर चली गई और उसके बाद मुझे लगा ही नहीं, मतलब मुझे घर वाले काम करने से रोक रहे हैं कि आप काम मत करिए, मुझे लग ही नहीं रहा कि मुझे मेरी कोई सर्जरी हुई है। इसी कारण मैंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं सर के हाथों से ही अपने दूसरे नेत्र की भी सर्जरी करवाऊंगी और मैंने दूसरे ही दिन ये सर्जरी करवाई और आज और भी ज्यादा आसानी से और नए उपकरणों के द्वारा सर ने मेरी सर्जरी की है और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं सर के लिए क्या धन्यवाद दूं, क्या आभार व्यक्त करूं, मेरे शब्दों या मेरे आभार की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर की अनुकंपा आप पर और आप धर्म पत्नी पर हमेशा बनी रहेगी, ये मेरा आशीर्वाद है आपको, मेरी बधाई है, मेरी शुभकामना है। आप दिनों दिन उन्नति करेंगे और चिकित्सा जगत में, नेत्र चिकित्सा जगत में आपकी वजह से बेचारे जो गरीब हैं, जो अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं, वो यहाँ आएंगे और बहुत फायदा उठाएंगे। मुझे अभी बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे लग ही नहीं रहा है कि मेरे कोई सर्जरी हुई है और मैं चाहती हूँ कि सर हमेशा ऐसे ही बने रहें और युगों युगों तक आप इसी प्रकार सबका भला करते रहें, मानव समाज का आप बहुत भला करते हैं, ये मैं प्रायः हर हर मीडिया में सब जगह देखती रहती हूँ। तो मैं वैसे भी प्रशंसक हूँ सर की कि आप इतना निशुल्क काम करते हैं, इतना ध्यान रखते हैं मरीजों का, उनकी वाणी में बात करते हैं, आप उनकी भाषा में बात करते हैं, ऐसे बिना अहम के, बिना अहंकार के आप कार्य करते हैं। मैं चाहती हूँ आप युगों युगों तक इसी तरह